व्हाट्स अप गाइस, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी वो एक्चुअली बहुत पहले की वीडियो है। मतलब वो मैंने वंस अपॉन अ टाइम का भी रिकॉर्ड कर रखा था, जो मैंने अभी डाली है। मैंने उस टाइम मेरा चैनल भी नहीं बना था, तो आज मैं फिर से ये गेम खेलने जा रहा हूँ। और देख सकते हो मैं पता नहीं कितने दिनों बाद अपने इस गेम में आया हूँ। और मैंने ये सब इंक्रीज़ किया हुआ है अपना, मतलब जैसे ये है और ये सब। और बाकी मेरे डेट वेट थोड़ी आगे बढ़ी हुई थी, तो मैंने सब कुछ ठीक किया है। और अभी देख सकते हो ये वही वाला कंटिन्यू चल रहा है अभी, क्योंकि डेट मैंने वही वाली कर दी है इसकी, बिल्कुल ठीक था और सब कुछ पहले जैसा इसमें अंदर चल रहा है। और आज मैं खेलने वाला हूँ, और देख सकते हो मैंने ये कर लिया है, लास्ट टाइम मेरे इतने नहीं थे, तो आज मैं अभी ये करने वाला हूँ, टावर ऑफ फॉर्च्यून खेलने वाला हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले अभी 17 घंटे पहले खेल रखा है, तो मैं अभी फिर से नहीं खेल सकता इसे। मतलब मैंने 17 नहीं, थोड़ी देर बहुत ज़्यादा देर पहले मैंने इसे खेल रखा है, 6-7 घंटे, तो मैं भी इसे फिर से नहीं खेल सकता। तो मैं अभी एक टिकट के बल पे प्ले कर रहा हूँ इसे, और आज मैं इसके पूरे 60 तक रीच करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग को ये मिल चुका है गंदा रिवॉर्ड, और ये 20 से कंटिन्यू हो रहा है। वही मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में ऐसा कब से होने लगा, क्योंकि तो देख सकते हो उधर 60 जेम्स थे, मुझे उधर जाना है, इधर आ गए। ओके, पिग इधर होगा पक्का। देखा मैंने कहा था, मैं बस दिखा रहा था ऐसे के में हम लोग सही से भी बता देते हैं। और मैं इसे करने वाला हूँ, ये क्या था, अच्छा हाँ ये। और अब मैं इसे थोड़ा और करने और थोड़ी देर करने वाला हूँ। मतलब यार ये गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और मुझे इतने अच्छे से कुछ इसमें याद नहीं है इसमें इतने अच्छे से क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, तो मैंने ये सब कर लिया, और मतलब मैंने इतने सारे लूट्स अभी इकट्ठे हो चुके हैं आप देख सकते हो। और अभी मैंने 26 जेम्स और मिल रहे हैं, मुझे जेम्स की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यार है भाई, मैं गरीब हूँ यार, अनलिमिटेड इसमें जेम्स थोड़ी होते हैं, लिमिटेड है। और पिग ने फिर अपना मुंह दिखा दिया, कोई नहीं, बार बार मुझे जेम्स लेना है, क्योंकि यार लालच तो भरा रहेगा ना चाहे कुछ भी हो जाए, लालच थोड़ी कभी जाती है। ओके, मुझे प्रॉफिट होगा इसमें, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं जो पिग से लुटवा ले रहा हूँ उससे सही, उससे ज़्यादा ले रहा हूँ। ये देखो अभी और हो गए 322, मैंने इसको अभी तक दिए नहीं है, मतलब देख सकते हो बस अभी तक इतने ही गए हैं। और बस आगे चल के तो पता नहीं इसमें क्या क्या होगा, और साथ में इतनी सारी लूट्स भी तो खरीदी है, तो इसमें मेरा फुल प्रॉफिट ही है। और ये देख सकते हो अभी 100 जेम्स और बढ़ने वाले हैं, तभी मैं इधर का नहीं खोलूंगा, इसमें पक्का पिग होगा, नहीं था इसमें था। ओके, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, मतलब मैं मुझे इसलिए मैंने इसे नहीं खोला, जिसमें आप लगातार खोलते हो उसमें एक बार तो पिग आ ही जाता है, इस बात का बहुत ध्यान रख के हम लोग को चलना है। तो देख सकते हो जितना मेरे जेम्स गए नहीं उतने तो मिले जा रहे हैं, और साथ में और भी अच्छी अच्छी लूट्स मिल रही है, जैसे हैट्स मिल रहे हैं। मुझे इतने सारे अपने पॉल से वो हैट्स खरीदने नहीं पड़ेंगे, और यार एक टिकट में मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देख सकते हो। तो मैं बस ये दिखा रहा था कि टावर ऑफ फॉर्च्यून बहुत सही है, मतलब इसे खेलने से आपको प्रॉफिट बहुत मिलेगी। इसके बाद हम लोग गेम के कुछ लेवल्स खेलने वाले हैं, 544 हो चुके हैं, इतना मेरा लॉस भी नहीं हुआ है, और ये और 5 मिल गए, इतने सारे लूट के साथ एक भी लॉस नहीं हुआ है, तो यार ये बिल्कुल फ़ायदा है। और मैं अभी चेक करने वाला हूँ कि इसमें कहाँ पे जेम्स, मैंने जेम्स पे क्लिक किया, मुझे वो 410 जेम्स लेने हैं, और इधर 2 बार जेम्स मिला, मतलब इधर कुछ गड़बड़ होगी। देखा कहा था उसमें पिग था, 2 बार जेम मिला मतलब पिग। और मुझे भी ये खोलना है, ओ इतना बकवास लास्ट का भी 500 पॉल्स, मेरे पास पॉल्स की कोई कमी तो है नहीं। पिग इन्फिलेटर जेम्स ये सब, यस देख सकते हो मेरे 14,000 हो चुके हैं, मेरे थे 12,000 और 13,000 हुए ना कि 14,000, ओके 13,000 शायद से हुए। और मतलब आप देख सकते हो यार इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है, और इतना सारा सामान भी एक्स्ट्रा मिला है, तो इसलिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आप खेलते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये देखो भाई 13,452 हो गया पहली स्टार्टिंग में कितना था, और बाकी मैं बर्ड का लेवल अप नहीं करने वाला, इसके लिए मुश्किल से मैं एप्पल्स कलेक्ट करता हूँ 5-5, इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। और आज हम लोग, ये वैसे क्या चीज़ होती है, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, एंग्री बर्ड एक्चुअली मैंने इतना खेला तो नहीं है। और वैसे मेरी पहले की और अभी की आवाज़ ज़्यादा चेंज नहीं है, वैसे मैं मजाक कर रहा था, 2 साल पहले ही, कुछ दिनों पहले मैंने खेल के रखा हुआ था, चैनल नहीं रहा, ये बात सच है, मैं बस पहले ऐसी वीडियोस डालते रहता था। ये क्या है भाई,
एक बार खेल के देखते हैं, फिर पता चलेगा ना ये क्या है। और ओके, तो मैंने कल एक एंग्री बर्ड्स की वीडियो डाली थी, वो भी जाकर देख लेना। और हाँ यार, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूट्यूब मेरा चैनल ब्लॉक कर सकता है। बस एक बार हो गया ना, मतलब बस एक बार थोड़े से और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ना, जैसे कुछ 50 की लाइन में आ जाएंगे, तो फिर यूट्यूब चैनल ब्लॉक नहीं करेगा। अदरवाइज मैं भी नहीं देख पाऊंगा अपना चैनल और आप भी नहीं देख पाओगे। मुझे सब्सक्राइबर से कोई इतना मतलब नहीं है, बस मुझे सब्सक्राइबर्स ऐसे ही मैं कर लेता हूँ, वरना यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए मैंने अभी अभी सारी वीडियोस में सब्सक्राइब का वो डाला है, वरना पहले मैंने कुछ सब्सक्राइब करने का वो नहीं डाला था। जब मैंने रूल्स में पढ़ा ना कि यूट्यूब अगर हम लोग यूट्यूब में ये नहीं करते ना, तो यूट्यूब वो कर लेता है, क्या बोलते हैं, चैनल ब्लॉक कर लेता है अगर सब्सक्राइबर्स नहीं होते। इसलिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये मेरे मारने से पूरे लोहे का, मतलब पूरे इसके स्टोन का बन गया। मैं भी एक और मारता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने बॉम्ब को ब्लास्ट किया, और ये भी हो चुका है कंप्लीट। TNT फूट जाता तो और थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता और पॉइंट मिल जाते। इसी से ये लोग इसमें यार उसमें भी डाल देते ना, बॉस पिग भी इसमें डाल देते, जो बड़े बॉस होते हैं ना, जैसे शेफ पिग, फोरमैन पिग और किंग। और ये भी मर गया, और मेरे गोटीज एक्स्ट्रा बचने वाली है, इतने तो खत्म होने वाले नहीं है इसमें। और ये टकराएगा उससे पहले इसे अच्छे से ही फोड़ लेता हूँ। ओके, तो मैं वहां तक कैसे पहुंचाऊँ मुझे नहीं पता। मटिल्डा को मैं मार के देखता हूँ, और ये भी पहले ही इधर ही हो गई। अच्छा, उधर ये जाएगी तो TNT पे, ठीक है, मुझे समझ आ गया। इस बड़े वाले गोटी को अभी मैं भेजता हूँ, मतलब मैंने इसे ऐसे भेजा, थोड़ा इसका वो होगा, लॉस होगा, क्योंकि इसका थोड़ा पावर लॉस हो जाएगा, लेकिन नहीं पहुंच रहा यार ये तो। अच्छा, मुझे ऐसे येलो वाले को मारना है। ये देखो अब इसकी एबिलिटी क्या है। नहीं यार, इसमें कुछ और करना है, तुझे मारना है क्या? नहीं, ये तो मैंने इसे फालतू में मार दिया, कुछ हुआ भी नहीं इसे। कुछ अच्छा, पिग मर गया वहां का। ओ, ये तो ये अनलिमिटेड है, मतलब मैं इसमें कितने भी खेल सकता हूँ, या फिर लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड ही है। अगर मैं इसमें ऐसे कर दूँ तो नीचे लावा से ये पास होगा या फिर खराब हो जाएगा? खराब ही हो जाएगा, इतना मुझे पता है। ये वाटर थोड़ी है, लावा है, वाटर उसे पास कर देता है, ये लावा है। अच्छा, ये भी उसे ऐसे ही अपने अपने ऊपर रखेगा। ये तो थोड़ी देर बाद अपना ना, ये जो गोटी होता है ये डिस्पॉन तो हो ही जाता है। ये मैं सोचना कि वो लावा में जल गया, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और बाकी बस ये वाला बच गया, बाकी सब ठीक है। मैं भी यहाँ तक जीत चुका हूँ, या अगर ये लोग थोड़े जेम्स देकर और प्ले ऑन करे तो सही है। ये रूम्स, 4 माइटी ईगल रूम्स, ये क्या होता है रूम्स रूम्स इसके, पता नहीं है, जो भी है मुझे नहीं पता ये क्या है। अभी हम लोग फिर से इसके मेन्यू पे चल रहे हैं, मेन मेन्यू पे। ये 50 प्ले अगेन, चलो छोड़ो यार, इसमें फालतू चीज़ों में जेम्स नहीं खर्च करने का है, जो काम की चीज़ है उसमें मैं सिर्फ जेम्स खर्च करता हूँ। और ये क्या है, माइटी ईगल ईगल प्ले माइटी ईगल्स बूट कैंप, यस, इसमें भी मुझे मिल गए कलेक्ट 25 स्टार्स। वो मुझे कोई इतना वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ओके, कलेक्ट कलेक्ट 5 एप्पल्स, ये आज का मेरा मिशन है। और मैं भी 11 लेजेंडरी चेस्ट ओपन कर चुका हूँ। बाकी ये सब क्या है, बाकी यार इसके परचेज के बारे में तो देखा ही होगा, फ्री में परचेजेस करना, वो सब मैं कर चुका हूँ उसमें। लेकिन वो कोई इतनी कमाल की चीज नहीं है, मतलब एक आध बार मैंने कर रखा है इसमें, तो ये मत सोचना कि सारे मैंने अपनी मेहनत से ही कमाए हैं इसमें। मतलब 3000 4000 जेम्स तो ऐसे ही मैंने फ्री में लिए है, एक बार तो फेसबुक में लगा के और ऐसे ऐसे फालतू चीज़ों में लगा लगा के मैंने इतने किए हैं, और ये करके यार कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी मेरे पास अनलॉक है चिप वैली, अच्छा चिप वैली लिखा है, ठीक है। तो मुझे इसमें अभी आज मैं पहली बार इसमें जा रहा हूँ लेवल्स खेलने में, और ये चिप, अच्छा ये है चिप वैली, और ये यहाँ पे मेरा माइटी गल अनलॉक होने वाला है। तो आज की वीडियो में इससे अनलॉक मैं करके रहूंगा, वो चलते हैं इस वाले लेवल में। और बड़ा अच्छा लेवल लग रहा है ये, ना बड़ा नॉर्मल लेवल लग रहा है। और देख सकते हो यार, ये मेरे पास स्पेल्स की भी कोई कमी नहीं है, और पता नहीं इसके लेवल्स कैसे अप हुए यार, ये चीज़ मुझे कोई समझा दो प्लीज़। ये इसके 349, मैंने आज तक इन पे कुछ नहीं किया है, ये पता नहीं इसके लेवल्स अपने आप बढ़ गए। और मैं एक एप्पल इधर मिल रहा है,
मुझे उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही मिल जाएगा। मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ और मैंने इसे ऐसे किया और ये तो वैसे भी मुझे मिल ही जाता। मतलब अभी यहाँ पे नहीं अगर ले पाता, ये दूसरे वाले में मिल जाता, दूसरे वाले मैप पे। वो चेस्ट होता है जो किसी फेक ही बार मिलता है। तो मैं अभी इधर आ चुका हूँ और ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बस एक बड़े वाले को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है और ये सारे पिग्स अभी गए। ओके, तो अभी मैंने इनको पिग्स को पूरा मार के नीचे गिरा दिया और ये बहुत सही मुझे लग रहा है। इसमें भी मैं कुछ कोशिश करता हूँ, एक कोशिश किया मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बस इस बैलून वाले को मार के ऐसे फुला दूंगा, बस ये सारे मरे। ये सबसे ज्यादा काम का होता है, इसलिए मैं इसे ही हमेशा लगा के रखता हूँ। मतलब यार किसी भी चीज को फुलाना, ये तो इसका एक नॉर्मल नेचर है, ये उसी काम के लिए बना हुआ है वैसे। और ये तो बनी है अपना बॉम्ब के लिए। मतलब ये ऐसे मैंने इसका बस एक रिलीज किया तो ये चली जाती है बहुत तेजी से आगे और इसका अंडा जो है वो नीचे गिर के बॉम्ब बन के ब्लास्ट हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है इसका जो भी महामटिल्डा का। और मैंने बैलून्स फोड़े तो ये बर्फ इसके नीचे गिरा और ये तो मर गया है। मैंने सोचा एक और मार दूं। ओके, तो सारे बर्ड्स बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं इसे मार के। और बिग बॉस के लेवल पे पहुंचने में बस थोड़ी सी देर है, यहाँ बस 54 पे और फिर सीधा 55 पे हम लोगों को 4 मैन पिग से लड़ना है। शेफ पिग मुझे ज्यादा सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। अभी हम लोग को पिग्स को बहुत सारे पॉप करना है, बहुत सारे, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ तक माइटी ईगल में पहुंचेंगे मुझे पता है बहुत सारे हो जाएंगे। ये बॉस लेवल जैसा दिखता है लेकिन ये है नहीं। अच्छा, इसमें हर लेवल में मुझे ये एप्पल मिलेगा, मैंने ये चीज़ कभी पहले नोटिस नहीं की थी, अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ ये मुझे हर लेवल में मिल रहा है। इसका मतलब मैं लेवल्स खेलूंगा तो ये मुझे मिलते रहेगा। ओ, एक पिग इन्फिलेटर मुझे मिल गया, बिना स्पेल दिए मुझे खुद ही स्पेल मिल गया। मतलब वो मेरे वाले में से नहीं मुझे मिला, मुझे स्पेल्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती यार, स्पेल्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी मैंने इधर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया और यहाँ ये कौन सा, अच्छा ये वाला है। और यहाँ मैंने इसे जाकर एक वो किया, ये क्या करता है ना ऐसे घूम के ऐसे आके पूरा मारता है, ये बात आपको पता ही होगी। तो ये सबके बहुत सारे एबिलिटीज है। ये जो रेड वाला छोटा वाला होता है ना, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, वो बहुत तेज हवा फेंकता है। तो ये सबकी क्वालिटीज है। और एक पिक को मैंने इसके बॉम्ब से मारा और इसे ऐसे ये रॉकेट खुलेगा और सबको उड़ा देगा। ओके, जैसे अभी होगा, मतलब जैसे अभी हुआ ना वैसे ही हर चीज में करता है रॉकेट, कोई भी चीज ऐसी करता है, ऐसे अपने आप को पूरा फाड़ के वो चीज भी एकदम टीएनटी जैसी ब्लास्ट कर देता है। और मैं इस वाले लेवल में पिग इन्फिलेटर का यूज करूंगा जब मिला तो। यार मतलब इसमें जो छोटे छोटे पिग्स है ये सब बड़े हो जाएंगे। ओके, तो ये पता नहीं यार कहाँ छुप के पिग इन्फ्लेटर मेरे से बैठा हुआ है। हाँ ये रहा, और अभी देखना ये क्या होगा। ओके, यही दिखाना चाह रहा था, जितने पिग्स थे उनमें से मैक्सिमम सब लोग ही बड़े हो गए। तो ये इसकी खास एबिलिटी होती है, ये सबको बड़ा कर देता है। जैसे ये है, ये देखो बहुत तेज यार फेंकता है, इसके सामने अगर कोई पिलर विलर लगा होगा ना तो ये उसे गिरा डालता है। और अब जो हम लोग नेक्स्ट वाला लेवल खेल रहे हैं उसमें मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है कि मैं इसमें हारूंगा। और बस और 5 लेवल करने के बाद हमारा माइटी ईगल अनलॉक हो जाएगा और माइटी ईगल भी मुझे मिलेगा यार टावर ऑफ फॉर्च्यून में। मुझे इसे पहले अनलॉक कर लेना था, ये भी मेरे पास बहुत होता। मैं माइटी ईगल के अलावा और कोई स्पेल कभी नहीं यूज करता। मतलब माइटी ईगल पता है क्या होता है, पूरा यहाँ पे भूकंप ला के सब कुछ गिरा देता है। ओके, ये चीज मुझे पता चल गई, अब मुझे कभी बॉर्ड के ना एप्पल्स की कमी नहीं पड़ेगी, ये मेरे पास अनलिमिटेड है, हर लेवल में मुझे एक एक मिलते रहेगा। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी लेकिन अब मुझे ये बात पता चल गई है। और मैंने यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, सारी चीज फट गई और उड़ गई। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेवल में आ चुका हूँ, यहाँ पे सीधा मैंने एक पिलर में इसे मारा और देख सकते हो इसकी पावर। और ये बहुत छोटा लेवल यार, जिस तरीके से मतलब मेरे बॉर्ड्स है ना उनसे तो ये लेवल बहुत छोटा है। ओके, यहाँ पे आ चुका है। ओ हो, मेरे सामने ही बैठा है, आ जाओ यार थोड़े गले लगो ना मेरे बॉर्ड्स के। ये एक मारा, अरे गले भी नहीं लगने आता यार इस बेवकूफ को, रुक जाओ इसे अभी सिखाता हूँ गले कैसे लगते हैं। ये इसे मार मार के सिखाएगी, देख सकते हो बड़े गुस्से में है कि तुझे गले लगने नहीं आता। इसने इसे मारा, इसे अभी भी गले लगने नहीं आता।
तो चलो तेरे को एक और मारता हूँ। ओ मैं यहाँ पे भी तो मार सकता हूँ ना, ये पिग सो रहा है वहां पे, इसका भाई पूरा गार्ड मरे जा रहा है इतनी देर से। और ये लोग, इनकी ना ये लाइफ होती है, ये लोग एक मतलब ये लोग बच्चे नहीं होते, ये लोग मर जाते हैं, बहुत मुश्किल से मरते हैं ये लोग। ओके जैसे मैंने इसे एक मारा और ये अब यहाँ पे गिरा, और ये ब्लास्ट, और ये गिर गया। अगर ये यहाँ पे नीचे भी गिर जाएगा ना वॉल से तब भी मर जाते हैं ये लोग। और देख सकते हो ये बेचारा कैसे घायल पड़ा है, जितने भी पिग्स होते हैं ना ऐसे ही होता है। और अभी देखना वो अपनी इधर से फ्लाइट उड़ाते हुए मजे से ले जाएगा वो दूसरा वाला पिग। मेरे पास 28 होगा और ये अपना मजे से उड़ाते हुए ले जाएगा। ओके किंग पिग से हम लोगों की लड़ाई होने वाली है नेक्स्ट, जो कि मैं शायद ही, अच्छा किंग पिग से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही माइटी ईगल मुझे मिलता है नेक्स्ट लेवल। और मैं कोई स्पेल वेल नहीं ले रहा, देख लो भाई मैं भाई सबको, आप सबको ऐसे ही जीत के इसमें दिखाऊंगा। और जैसे मैंने अभी ये एक ऐसे मारा, यहाँ पे मैं गया और अभी मैं यहाँ पे ये सब गिर रहा है। कोई नहीं, मैं अभी और यहाँ पे मारता हूँ इसे, क्योंकि इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने अभी जैसे ये एक मारा, और बाकी आपको आवाज आई होगी चिड़िया मजे से काव काव आके कर रही है, मतलब चिड़िया या फिर पता नहीं जो भी है वो काव काव आके कर रहा है, कौआ तो नहीं है इतना मुझे पता है। तो अभी हम लोग इस पे गए यार, पहले मुझे पांच पांच मिल रहे थे, अब इतने तीन तीन क्यों मिल रहे हैं, और लेवल इजी हुए जा रहे हैं आगे चल के, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जबकि हार्ड होते हैं इसमें आगे चल के। ओके तू, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा अभी? रुक, हाँ तो देख सकते हो इस वाले में भी कितना दम है। इसे आज पिक्स को दिखी गया कि एक छोटे वाले बर्ड में कितना असर है, छोटे बर्ड की पावर में कितना असर है। ओके सारी चीज जितने भी सामान थे सब घायल भी हो गए थे। ओहो इसको मैं ऐसे ही मारूंगा, एक सेकंड हटना, इसको मैं एकदम इसके बैलून्स काट के ना इस पत्थर से मारूंगा इन पिग्स को, मैं इन्हें ऐसे ही नहीं मारूंगा। हाँ प्लीज इनको मत मारना यार, मुझे इनको बहुत अपने मजे लेके मारना है यार। मेरे पास, मुझे येलो वाला चाहिए इन लोगों को मारने के लिए। अच्छा तूने भी इसके लिए सेटअप किया है, पहले तो खुद मर, दूसरों को मरवा रहा है। हाँ, ये देख सकते हो एक पहला इस पे लगा, इस वाले का तो यूज ही नहीं हुआ। कोई नहीं, अभी मैंने इसको तीन तीन कर दिए और कुछ नहीं हुआ, बल्कि अपने बर्ड को चार चार दिखने लगा। चलो कोई बात नहीं, एक और मैंने यहाँ पे ब्लास्ट किया और इसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने यहाँ पे एक मारा इसे और फुला दिया, और मुझे पता था इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, अपने पास गोटी की कमी है, किसने कहा नहीं है भाई। फिर मुझे अपने 60 जेम्स यूज करने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं करूंगा। अब यार तू हो जाना, मेरे पास और कार्ड्स भी नहीं बचे, मैं हारूंगा तो नहीं, भले 60 जेम्स यूज कर लूंगा, लेकिन वो यूज करने से सही तू ऐसे ही मर जाए। यस मर गया, ओके पॉप हो गया ये पहली, इसे लोग मरना नहीं पॉप होना कहते हैं। ओके चलो भाई, इस वाले लेवल में मुझे फिर से एक पिग इन्फ्लेटर मिल चुका है, और अब हम लोग सीधा बॉस लेवल वाले, मतलब बॉस वाले लेवल पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, और मतलब तब तक के लिए वेट करो। और भाई इन्फ्लेटर यहाँ पे मुझे एक और मिल गया। ओके तो अभी सीधा मिलते हैं हम लोग बॉस लेवल पे। ओके गाइस, राधा जी, राजा जी इधर पधार चुके हैं, और एक बार मैं इनका थोड़ा घटिया तरीके से स्वागत कर रहा हूँ। ओके प्लीज डोंट माइंड अगर मैं तुझे ऐसे मारूं, और ये इसके आके बहुत तेज, अभी ये गोटी लगने वाली है। ओके इसकी इतनी ज्यादा हेल्थ चली गई है, मैंने तो कुछ इतना किया भी नहीं था। ओके कोई बताना मत कि मैंने राजा जी को मारा है, और ये मैंने एक मारा, ओ तेरी भाई मर भी गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, ये बस दो गोटियों से मर गया। हो मुझे उम्मीद नहीं थी ये दो गोटी से मर जाएगा, मैं सोचा था ये जी, मतलब मैंने गलत खेल दिया और मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको मैंने किंग पिग को तो ऐसे मार दिया। और मेरा माइटी ईगल भी अनलॉक हो चुका है, और क्या क्या आगे, लेकिन मुझे अभी, अभी मुझे परेशान मत कर, ठीक है यार। अभी मैं यहाँ पे देखने वाला, देख रहा हूँ कि और कौन कौन सी यहाँ पे वैलीज है। नेक्स्ट वाली वैली नहीं देख सकता, सिर्फ दो वैलीज मैं देख सकता हूँ आगे की। ये मेरा शनघम है आगे, और मैं अभी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ दूसरे में, लेकिन अभी, अच्छा मैं इसमें भी पहुँच गया, पहले मैं उस वाली में था। अभी मैं ज़रा इस माइटी ईगल को ट्राई करके आपको दिखाता हूँ ये माइटी ईगल कैसा होता है। यस देख सकते हो मेरे सारे स्पेल्स भी अनलॉक हो चुके हैं, और मैं भी दिखाता हूँ ये कैसा होता है। जैसे ये सारे इतने हैं,
बस एक माइटी गली के लिए भारी पड़ जाएगा। मैं कहीं भी मारूं, देख लो आसमान में मैंने मारा, अभी देखना क्या होगा। कुछ नहीं हो रहा, ये आया तूफान और सारे पेग इसमें मारे गए। तो अब मतलब बताना मत कि मैंने सबको मार डाला है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे चलते हैं और इस वाले लेवल को खेल के हम लोग इस जल्दी से इस वीडियो को एंड करते हैं। गाइस यार ये इसी के लिए दिया होता है, जैसे मैंने इसको लिया और ऐसे फोड़ा, ये देखो क्या होगा। ये एकदम अभी इसके यार जाना था इसके, अगर ये फूटता ना यार पूरा फोड़ देता। ओके अभी यही हुआ है, मैं एक बार डक स्पेल भी जल्दी से यूज कर लेता हूँ। और देख सकते हो इसने भी हर जगह पूरी बरसात कर दी डक्स की, जैसा बाथरूम में नहीं हम लोग ऐसे नहाते हैं। ओके तो चलते हैं मेन मेन्यू पे। ये नेक्स्ट लेवल पे ये क्या ऐसे लगा है, चलो छोड़ो वो सब। और अभी ये पता नहीं बकवास बकवास चीज होती है। और मैं जरा इस फ्री वाले चेस्ट को ओपन करता हूँ, इतना छोटा सा चेस्ट यार, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं होती। मैं 10 जेम्स लेके भी क्या करूँगा, 1000 मेरे पास पड़े हुए हैं, सच के 1000 पड़े हैं, मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ। ओके 25 स्टार्स मिल गए। और माइटी ईगल अनलॉक करने से कुछ नहीं होता, 26 बार स्पेल मैं आज तक यूज़ कर चुका हूँ, जो कि मुझे खुद से मिले हैं, मैंने कुछ अपने आप से नहीं लिया। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी।